नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आज आप लोग का है 28 सितंबर। ठीक है, 28 सितंबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको आज बताया जाएगा और चित्र के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को याद करा दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, क्या है रूसी ग्रैंड, ठीक है, 2021 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है दोस्तों। दोस्तों ये याद कैसे होगा, ध्यान दीजिए, ये कोई व्यक्ति आप लोगों को दोस्तों दिख रहा होगा तो इसके बाल में क्या है, रूसी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? हम लोग बोलते हैं ना बाल में बहुत रूसी है, कि कौन सा शैम्पू लगाएं कि क्या होगा, ये रूसी मेरा सही हो जाए। तो कोई बोलता है कि आप इस शैम्पू को लगाइए, आपका मिनटों में आपका क्या रूसी गायब हो जाएगा बाल का। ठीक है, आपका क्या होता है मिनटों में। तो इसमें क्या लिखा है, हे मिल्टन। देखो मिंटो शब्द आपको मिल जाएगा जब आप पढ़ेंगे हे मिल्टन पढ़ेंगे, जैसे आप हे मिल्टन जब पढ़ेंगे तो मिंटों में क्या है रूसी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह दोस्तों आप याद कर सकते हैं कि रूसी ग्रैंड किसने जीता है दोस्तों, हैमिल्टन ने दिया। तो रूसी को हम लोग क्या करते हैं, जो बाल में रूसी पड़ता है उसको हम मिनटों में उसको सही कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गया। और नेक्स्ट देखिए, किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है? किस देश ने चुना है? आइसलैंड दोस्तों, आइसलैंड जो देश है वो क्या है, चुना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए कैसे याद होगा, यदि ये कोई व्यक्ति है इसका पूरा ऐसे बांध दिया जाए बस आंख दिख रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति है इसका भी पूरा मुंह बांध दिया जाए, इसका आंख दिख रहा है, खूब सुंदर सा आंख दिख रहा है, तो ये बताओ कि दोस्तों कि दो व्यक्तियों को ऐसे बांध दिया जाए बस उनका ऐसे फेस दिखेगा, बस आंख, फेस में बस आंख दिखेगा, तो आंख से क्या पहचान लोगे, आईज से आप पहचान लोगे कि ये लड़की है लड़का है? दोस्तों आंख से आप पहचान लोगे, ठीक है, आंख से आपको पता चल जाएगा कि ये लड़की है ये लड़का है, क्योंकि आंख लड़कों का कुछ अलग होता है, लड़कियों का कुछ आंख बहुत अच्छा लगता है, तो आप आईज से लड़कियों को पहचान लोगे कि हाँ ये लड़की है। तो आईज से क्या होगा दोस्तों, आईज से आइसलैंड हो गया, आइस से आइसलैंड हो गया। तो क्या है दोस्तों, आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से कि देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है आइसलैंड। आइसलैंड इसलिए चुना क्योंकि लड़कियों के आइस से चुना गया है। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, आइस से क्या हो गया, आइसलैंड हो गया दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गया होगा कि किस देश ने चुना है, आइसलैंड ने, क्योंकि आइस के माध्यम से चुना जाता है। ऐसे ट्रिक से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस देश की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि सोजत मेहंदी है उसको GI टैग मिल गया है, तो किस राज्य में दिया गया दोस्तों, राजस्थान। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मेहंदी कहाँ लगाया जाता है, मेहंदी आपको हाथों में लगाया जाता है, ठीक है, मेरे हाथों में, ठीक है, मेहंदी लगा दो, तो मेहंदी जब लगाने पर क्या होता है, जब मेहंदी लग जाता है हाथों में दोस्तों, तो ये क्या होता है, मेहंदी का क्या होता है हाथों में एक स्थान बन जाता है, एक स्थान पर बना लेता है मेहंदी अपने हाथों में। तो आप लोग यदि दोस्तों हाथ में मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी में क्या होता है, एक स्थान बन जाता है हाथ में, और सोजत में सोते समय मेहंदी यदि लगाते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छा आएगा। सोते समय मेहंदी लगाने से क्या होता है, हाथ में मेहंदी रच जाता है, मेहंदी का एक स्थान हो जाता है। स्थान से आप दोस्तों राजस्थान याद कर सकते हैं, स्थान से आप राजस्थान दोस्तों याद कर सकते हैं। तो मेहंदी लगाने से हाथ में एक स्थान बन जाता है, स्थान से राजस्थान हो गया दोस्तों। तो सोजत मेहंदी कहाँ की GI टैग दिया गया है, राजस्थान का दोस्तों ये मेहंदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। फटाफट दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना किसने शुरू किया है? तो ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य, यदि किसी का स्वास्थ्य दोस्तों खराब हो जाता है, ठीक है, तो फैमिली रिश्तेदार लोग क्या करते हैं, मिलने आते हैं लोग, यदि
आप अक्सर आप बीमार होते होंगे, ठीक है। यदि आप बीमार हो गए यदि, तो आपके सास ससुर भाई मामा मामी सब लोग आपसे मिलने आएगा कि आप कैसे हैं, आप किस तरह से आपका लाइफ बीत रहा है। लोग खुश होते हैं कि आप बीमार हो गए, क्या बात है, इसी बहाने चलेंगे मिलेंगे, रसगुल्ला खाएंगे, पेप्सी पियेंगे और क्या। तो कहने तात्पर्य यह है दोस्तों, जब कोई बीमार होता है तो लोग उसके घर जाते हैं, 1 किलो सेव ले लेंगे, ठीक है, 1 किलो केला ले लेंगे, तो वो लेकर जाते हैं, लोग मिलते हैं, पूछते हैं का भैया का हाल चाल बा, तो इस तरह से लोग हाल चाल जाके पूछते हैं तो मिलते हैं। स्वाद जब ख़राब होता है तो द्वार पर जाकर लोग क्या करते हैं, मिलते हैं, मिलते तो तमिल, देखिए दोस्तों तमिल, तमिलनाडु तो बोलते ना तमिल, तय मिल जाओ उससे मिल, तुम उसका स्वास खराब है तुम जाके मिल उससे, तो तमिल तो मिल, तो मिलते हैं जाकर। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना किस कहाँ के दोस्तों, तमिलनाडु की है, तो तुम बोलते ना तय मिल, तय मिल, तमिल में तमिलनाडु, तो तमिल आपका तमिलनाडु में क्या होगा दोस्तों, ये योजना शुरू किया गया मेरे हिसाब से दोस्तों, आपको याद हो गया होगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है, 27 सितंबर को मनाया गया है, तो 27 हम लोग लिखते हैं 27 में दोस्तों लिखा है सत्ता सताना, देखिए सत्ता 27 में सताना शब्द आपको मिल जाएगा। तो जो पर्यटन लोग जो बाहर से जो हमारे देश में पर्यटन लोग जो घूमने आते हैं विदेशी लोग, उनको सताया नहीं जाता है, ठीक है, वो हमारे देश के क्या है मेहमान हैं, उनका आप स्वागत करो, उनको क्या लोग क्या करते हैं विदेशी जो होते हैं पर्यटन उस उन्हें क्या लोग सताते हैं, परेशान करते हैं, अधिक पैसा लूटते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। तो जो विदेशी जो पर्यटन आते हैं उनको सताना नहीं चाहिए, सताना से आपका 27 हो गया दोस्तों। अब मेरे हिसाब से याद कर सकते हैं, जो पर्यटन आते हैं उनको सताना नहीं चाहिए। तो वो शीतकाल में आते हैं, शीतकाल में आते हैं यहाँ पर, तो शीत से क्या होगा सितंबर हो गया, शीत से आपका सितंबर हो गया। तो जो पर्यटन लोग घूमने आते हैं शीतकाल में आते हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए, पर्यटन सताने से क्या 27 हो गया, शीतकाल सितंबर हो गया, हो गया दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको याद हो गया। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, मीठे खीरे को जीआई टैग मिला, ये किस राज्य में मिला दोस्तों, नागालैंड में। तो ध्यान दीजिए, जो जंगल में जो नागा लोग रहते हैं वो क्या है, वो तप करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं जंगल में। तो दोस्तों वो लोग क्या खाते हैं, वो लोग मीठा खीरा खा कर रहते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, क्योंकि मीठा खीरा खाएंगे तो मीठा मीठा अंदर से उनका मन होगा, और मीठे मीठे मन से क्या भगवान को लोग याद करते हैं, इसलिए मीठे खीरे को नागा जो नागा लोग होते हैं जंगल में, जो नागा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, और मीठा फल खाते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो मीठा फल कौन खाता है दोस्तों, नागा लोग खाते हैं, जिससे इसीलिए नागा से क्या होगा दोस्तों, नागालैंड हो गया। तो आप ऐसे करके दोस्तों याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ हुआ है, कहाँ मनाया गया दोस्तों, तो कहाँ मनाया गया है, कोलकाता, ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों, कोलकाता है। तो आप पश्चिम बंगाल से याद कर लो दोस्तों, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो पश्चिम से क्या हो गया, पक्षी हो गया दोस्तों। यदि आप पश्चिम को पढ़ेंगे तो पक्षी शब्द मिल जाएगा, यदि आप विजय होते हो, ठीक है, आप अक्सर देखते हो यदि कोई विजय हो जाता है लोग क्या करते हैं, पक्षी को छोड़ते हैं, ठीक है, पक्षी क्या कबूतर जो शांति का प्रतीक होता है उसे छोड़ा जाता है, विजय के बाद खुशी मनाया जाता है, पक्षियों को ऐसे छोड़ा जाता है, ठीक दोस्तों, ये पक्षी है, पक्षियों क्या छोड़ा जाता है विजय के बाद पक्षियों को छोड़ा जाता है। तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों, कोलकाता में मनाया गया। आप पश्चिम बंगाल यदि दोस्तों याद कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो आप ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि विजय के बाद पक्षी को छोड़ा जाता है, इस तरह से आप दोस्तों याद कर सकते हैं। विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों, कोलकाता में मनाया गया। मेरे हिसाब से दोस्तों ये सब कुछ याद हो गया होगा। यदि दोस्तों आपको 1% वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।